नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्वास्तिक में। आज स्वास्तिक आपके लिए लेके आए एक बेहतरीन वॉशिंग मशीन जो कि 11 किलो की है। हम आपको इस कंपनी वेस्टर्न कंपनी की ये वॉशिंग मशीन है, हम आपको वेस्टर्न की वॉशिंग मशीन और LG की वॉशिंग मशीन में आपस में कंपेयर करके दिखाएंगे कि किस में क्या फीचर्स। तो सबसे पहले ये रही वेस्टर्न की वॉशिंग मशीन, ये अभी बॉक्स में पैक है, मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगा। बाहर से कंपनी ने अपना नाम और मॉडल नंबर वगैरह लिखा है। मॉडल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, W5000 ये इनका मॉडल नंबर है। 11 किलो की ये वॉशिंग मशीन है, काफ़ी हैवी लग रही है देखने से और बॉक्स ओपन करने में भी काफ़ी ज़ोर लग रहा है, काफ़ी हैवी ये वॉशिंग मशीन है। जैसे ही हमने मशीन ओपन की तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके लुक की। इसका कंपनी ने जो लुक दिया है सामने से वो दिया वाइट और ब्राउन कलर में, कंपनी ने आपको ये वॉशिंग मशीन दी है। आप देखिए यहाँ पर कंपनी ने फिर से अपनी ब्रांडिंग की हुई है, वेस्टर्न को काफ़ी ज़्यादा अभी ये लोग आगे ला रहे हैं। 5 साल की कंपनी आपको इसकी वारंटी देती है, इसकी वॉश मोटर की 5 साल की कंपनी आपको वारंटी देती है और पूरी मशीन की कंपनी आपको 1 साल की वारंटी देती है। हर कंपनी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अभी ये कर रही हैं। अब बात करते हैं हम इसके ऊपर की। इसके ऊपर कंपनी ने आपको दिया है और कंपनियों के मुकाबले बेहतर फीचर्स आपको दिए हुए हैं। ये जो लगा हुआ है आप देखिए, ये येलो कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, जो ये कलर है इसके ऊपर कंपनी ने आपको ग्लास लगा के दिया हुआ है। ग्लास लगाने से क्या है, ताकि स्क्रैच वगैरह इसमें कुछ ना आ सके। अगर आप कपड़े धोते समय कुछ इसके ऊपर रख दें या कभी और रख दें तो स्क्रैच आ जाते हैं, उससे बचाने को कंपनी ने आपको इसमें ग्लास लगा के दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने जो इसमें आपको दिया है वो दिया है एक बॉक्स। इसके सारे जो स्विच हैं, नॉब हैं, वो सब इस बॉक्स के अंदर कवर्ड हैं, ताकि इसमें कोई टूट फूट ना हो सके, पानी वगैरह ना जा सके। ये देखिए आप सब आपको तो इसमें ये वॉश टाइमर है और ये प्रोग्राम सेलेक्टर है, ये ड्रेन सेलेक्टर है और ये आपका स्पिन टाइमर है। सब चीज़ें कंपनी ने आपको कवर्ड दी हुई हैं, लेकिन जो वाटर इनलेट सेलेक्टर है वो कंपनी ने आपको बढ़िया बनाने के लिए बाहर से दिया हुआ है। ये देखिए आप, जब आप इस साइड को करेंगे तो इसमें स्पिन लिखा हुआ आएगा। स्पिन मतलब सुखाने वाला और वॉश मतलब धोने वाला। तो अब मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कंपनी ने इसमें आपको एक सिस्टम और दिया है, वो इसकी ये खासियत है। आप देखिए, जैसे आप इस वॉशिंग मशीन को रखते हैं ये खुद ही धीरे 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 नीचे जाएगा, यानी कि ये हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक की तरह है, ताकि आपका ये ज़ोर से पटके ना ढक्कन और ये टूटे ना। जो LG की जिसमें मैं बात कर रहा था, आप देखिए ये है LG कंपनी का। इसमें क्या करना है, LG और वर्लपूल में ये ढक्कन आपको हाथ से हटाने हैं। जिस दिन ये आपके हाथ से गिरे तो इसमें खरोंच वगैरह लग सकती है और या फिर ये टूट सकते हैं। इसकी जो मोटर है, अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, इसके अंदर कंपनी ने आपको काफ़ी हैवी मोटर दी हुई है। इसके अंदर आप देखिए, कंपनी ने आपको एक ब्रश दिया हुआ है जो कि कपड़ों में रगड़ पैदा करेगा, ताकि आपके कपड़े सफाई के साथ धुलें, जल्दी धुलें। उसके अलावा जो भी कूड़ा वगैरह होगा, गंदगी होगी, वो इस फिल्टर में आ जाएगी। और इसका आप बेस देखिए, कितना मजबूत बेस है। कंपनी ने आपको काफ़ी स्पेस दिया हुआ है, आप एक कंबल इसमें आसानी से धो सकते हैं, जिसका बड़ा परिवार है, सारे कपड़े आप इसमें एक साथ धो सकते हैं। और इसका बेस काफ़ी मजबूत है, जिसमें छेद कंपनी होल काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं। इन होल्स से पानी बहुत जल्दी नीचे चला जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने आपको इसमें 3 पंच लगा के दिए हुए हैं। इस पंच का काम क्या होता है, कपड़े में मोड़ पैदा करना। जितने ज़्यादा कपड़े में मोड़ पैदा होंगे, उतना ज़्यादा जल्दी आपके कपड़े धुलेंगे। और ये जो आपका वॉश है, वॉश चैम्बर, इसकी जो मोटर है, जो मैं बोल रहा था काफ़ी हैवी है, वो मोटर आपकी 440 वॉट की है। 440 वॉट की इसमें मोटर है। और डिटर्जेंट के लिए कंपनी ने आपको इसमें एक बॉक्स अलग से दिया हुआ है, जिसके अंदर एक पंखा जैसा आपके लिए लगा रखा है, ताकि आप इसमें से धीरे धीरे अपने आप ही ऑटोमेटिकली वॉशिंग पाउडर नीचे आता रहे। अब हम आपको इसके दूसरे साइड लेके चलते हैं। ये है इसका स्पिन चैम्बर। इसका स्पिन चैम्बर काफ़ी बड़ा है, मैं आपको इसमें थोड़ा खोल के दिखाता हूँ। अब देखिए आप, इसका जो स्पिन चैम्बर है, देखिए इसमें कितने सारे होल्स हैं और ये कितना बड़ा है। इसमें भी आप इजीली एक कंबल 11 केजी तक के कपड़े, आप अपने पूरे परिवार के कपड़े हों,
कम्बल हो, बेड शीट हो, कोई भी चीज़, सोफे के कुछ भी हो, ईजिली आप वॉश कर सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं। अब मैं इसके बैक साइड से आपको दिखाता हूँ कंपनी ने इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें दिखा रखी है। वॉश मोटर जो मैं बोल रहा था 440 वॉट की है, उसके अलावा जो स्पिन मोटर है वो 200 वॉट की है। और टोल फ्री नंबर कंपनी ने अपनी ईमेल आईडी, टोल फ्री नंबर सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत आती है आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और या फिर आप हमें बता सकते हैं। ये है इसका वाटर इनलेट के लिए, वाटर इनलेट के लिए आप यहाँ पर पाइप लगाएंगे और पानी आपको जिस चैम्बर में चाहिए, वॉश वाले में चाहिए तो वॉश में, और स्पिन में चाहिए तो स्पिन में आप यहाँ से ले सकते हैं। और नीचे से कंपनी ने जो आपको दिया हुआ है ये है इसका वेस्ट वाला, वेस्ट जो पानी होगा, गंदा पानी होगा वो यहाँ से बाहर आएगा। और ये रहा इसका प्लग 6 एम्पियर का, कंपनी ने इसमें आपको 3 पिन टॉप दिया हुआ है जिसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। इसका जो वायर है वो भी काफ़ी बढ़िया है, ब्राउन और वाइट कलर में कंपनी ने आपको ये दिया हुआ है और पीछे से फुली पैक है ताकि कोई भी चीज़, कोई भी चूहा हो या कोई भी चीज़ हो इसके अंदर, या फिर कोई पानी हो, पानी की बूंदें हो, कुछ भी इसके अंदर ना जा सके, ये फुली पैक है। तो दोस्तों हमारे हिसाब से ये वॉशिंग मशीन बहुत बढ़िया है। हमारे नंबर आपको नीचे दिए गए हैं। इसी तरीके की अन्य जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।